हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी लोग? यार उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, और यार बढ़िया ही रहना। तो भाई लोग, इस वीडियो में आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि मतलब थंबनेल क्या है, कि हाँ हमें फ्री फायर से भेज देना चाहिए, क्योंकि यार भाई लोग आप लोग भी देख रहे हो। देखो, इस वीडियो में आपको कोई इवेंट डिटेल या फिर किसी गेम प्ले का वीडियोज़ नहीं डाल रहा यार, बस आप लोगों के लिए कुछ एक न्यूज़ थी वो मेरे को बताना था यार। आप लोग जैसा कि देख रहे हो, आज सुबह सुबह आज मैंने जब गेम खोला तो मैंने देखा कि सारे सारे लाइट पार्ट्स मतलब बैक आ चुके हैं। ये मैंने बहुत पहले एक और अपने वीडियोज में बताया था, बट उस टाइम नहीं आया, तो मेरे को लगा लग रहा है कि नहीं देंगे। अगर फ्री फायर वाले ये लोग चीज़ ये नहीं दिए तो यार ये बहुत ही काफ़ी अच्छी बात होती यार। क्योंकि देखो यार, अब मतलब समझ लो फ्री फायर का ये द इंड ही आ रहा है। अगर मान लो, देखो यार, कितने भी अच्छे बंडल ला लें फ्री फायर वाले, चाहे कितने भी अच्छे बंडल क्यों ना ला लें यार, लेकिन वो ये देखो यार, 10 सकुरा बंडल या फिर हमारे जो हिप हॉप बंडल थे यार, इन लोगों की बराबरी करना मुश्किल है यार। कुछ बंदे इस किसी मतलब इस चीज़ से इतना पता चल जाता था कि यार हाँ ये बंदा रेयर है, ये बंदा पुराना है यार, मतलब उस प्लेयर्स का इज्जत बढ़ जाता था। अब यार मेरे हिसाब से मतलब मैं सभी लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि यार भाई लोग, आप लोग प्लीज़ पैसे मत वेस्ट करो, बिल्कुल भी पैसे मत वेस्ट करो। अगर आप लोग मतलब पैसे यूज करते हो, पैसे यूज करके आप टॉपअप वॉपअप करते हो यार, मतलब मेरे ख्याल से मत टॉपअप करो, कोई फ़ायदा नहीं टॉपअप का यार। मैं खुद भी करता हूँ टॉपअप, बट आप लोग ही बताओ क्या फ़ायदा टॉपअप का। पहले मान लो आईडीज भी बिकती थी, अभी आप लोग क्या बता रहे हो? जब से फ्री फायर बैन का ये पहले वाला न्यूज़ आया था फरवरी में, तब से बताओ यार कहाँ कोई भी आईडी आजकल बिक नहीं रही। अगर कोई बिकवा रहा है तो भाई मेरे पास 20-30 आईडी है, मैं बहुत सस्ते में बेचूंगा, तुम ही लोग ले लो यार। बट यार कोई आजकल मतलब पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से पैसे देंगे लोग? बंदे बहुत ही काफ़ी गेम छोड़ रहे हैं, और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आने वाले कुछ टाइम बहुत जल्दी फ्री फायर का बिल्कुल भी मतलब गेम बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा, लोग इसे खेलना बंद कर देंगे। तो भाई लोग, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यार और बस कितने भी पैसे हों, मैं मानता हूँ अगर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होंगे, फिर भी यार मेरे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यार मत मत पैसे वेस्ट करो, इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं। क्या फ़ायदा यार, आखिर में आप लोग वेस्ट करते हो, लेकिन अब इसका कोई वैल्यू नहीं। हिप हॉप बहुत सारे बंदे निकाल लेंगे यार, और इसका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं यार। फ्री फायर वाले अब समझ लो कि फ्री फायर का ये सच में द एंड ही चल रहा है, बहुत जल्दी मेरे को ऐसा लग रहा है फ्री फायर मतलब बंद होने वाला है, फ्री फायर मतलब गेम ही ख़त्म होने वाला है। एक बार बहुत पहले आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को याद हो, ऐसी कुछ चीज़ें आ रही थी जिसकी वजह से हमारे जो लेजेंड थे स्काईलॉर्ड, जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उन्होंने एक बार फ्री फायर की रेटिंग डाउन करवाई थी। तो यार सही था वो, मेरे हिसाब से आप लोगों को फिर से एक बार वो वाला रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, मतलब आप लोगों को फिर से जाकर रेटिंग डाउन करना ही पड़ेगा यार। मैं मानता हूँ अभी बुया पास आने वाला है, उसमें कुछ अच्छे बंडल्स में भी हो सकते हैं, बट कितने भी अच्छे होंगे, हमारी कुछ पुरानी यादें होती हैं यार, वो पुरानी यादें वापस नहीं आएंगे। अभी जैसे यार जो लोग हिप हॉप बंडल निकाल लिए, पुराने हिप हॉप वाले मतलब हम लोग अभी जब भी हम लोग पहले के लिए सब आते थे इधर रैंक सीएस रैंक चेक करते थे, जो पुराने प्लेयर्स होते थे उनको यार देख के थोड़ा लगता था कि हाँ ये बंदा पुराना है। अब हमें वो क्या पता चलेगा कि पुराना है? अब मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग तो फटाफट से निकालेंगे। अब देखो भाई लोग, ये देखो मैंने ऐसी एक आईडी रैंडमली ओपन की रैंक में जाके, तो ये बंदा 2, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, ये बंदा गाइस 82 लेवल ज़रूर है, बट ये बहुत पुराना प्लेयर है, इसके पास हिप हॉप नहीं रहता। इस बंदे ने हिप हॉप अभी जाके निकाला है, सब धोखेबाज नाम से जो भी ये प्लेयर है इसने अब जाके यार ये निकाला, यही प्रॉब्लम चल रहा है। अब सबके सब ऐसे पैसे वाले लोग निकाल लेंगे यार, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी भाई लोग, पहले जैसा अब कोई वैल्यू हिप हॉप। आप लोग देखिए, रेड क्रिमिनल आ गया, हिप हॉप आ गया, सब कुछ आ ही गया भाई लोग, तो मतलब कोई वैल्यू खास नहीं रह गया इसका। और मेरे हिसाब से भाई लोग, मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मतलब, मैं मानता हूँ गैरिना से बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों को, और सच में रहना भी चाहिए। हम लोगों के लिए पहले के टाइम में गैरिना बहुत कुछ था, मैं खुद बहुत काफ़ी इसका मतलब वैल्यू करता था, बट इस टाइम पे जिस हिसाब से इसमें सब इवेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है यार। तो भाई लोग, आज की वीडियो में बस हम लोगों का यही मतलब मेन टॉपिक यही था कि यार फ्री फायर सच में बहुत बेकार होते जा रहा है यार भाई। आगे आप सबकी मर्ज़ी कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं, मेरा था बताना, मैंने बता दिया। भाई लोग, जो तरीका चल रहा है वो यही है कि मतलब बहुत जल्दी फ्री फायर जो है कि बैन ही होगा, बैन होने के नतीजे पे ही है यार, नहीं तो इतना सब ये सब इवेंट्स इवेंट्स से। और आप लोगों को एक बात पता है भाई लोग, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फ्री फायर को फॉलो करते हो तो आप लोग जाके चेक करना, उसमें इन्होंने एक ये भी पोस्ट डाला है कि 21 तारीख तक जिसने भी पाँचों के पाँचों बंडल्स निकाल दिए, मतलब पाँचों के पाँचों सीजन्स के, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल बंडल भी मतलब वो लोग 25 या 26 तारीख को देने वाले हैं, हिप हॉप और ये सब समुराई वाले जो बंडल है, सॉरी ये जो सेन क्या नाम है, हमारे जो सीजन 1 का बंडल है, इन सब का ब्लैक कलर और शायद येलो कलर में कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो ये लोग देने वाले हैं। तो भाई लोग बताओ, मतलब अगर बंदे इसको ना भी निकालना चाहें तो ये ट्राई करेंगे कि यार निकाल लें ताकि हमें सब मिल जाए।
अब भाई लोग आप लोग खुद ही देख सकते हो कि आखिर में क्या हो रहा है आजकल फ्री फायर में। सब कुछ बिल्कुल ही सच में सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है यार। सब के सब बंडल्स, सब रेयरिटी ही हट गई यार हर चीज़ के। तो यार मूड बिल्कुल भी ऑफ हो गया भाई लोग। बस बाय, इतना ही आप लोगों से बताना था यार।